इच्छा मृत्यु हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे uh, मतलब एक चांस देने के लिए मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैंने अभी तक किसी भी चैनल में डिटेल्स में बताया नहीं और uh, आप सभी को जय हिंद नमस्कार आदाब सत्याकाल और uh, और आपको वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू जी जी तो बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े और आपकी पूरे कहानी सुनने के लिए वी आर यूरली वेटिंग फॉर वेटिंग फॉर इट फॉर योर स्टोरी ओके तो आपके कहानी हम थोड़ा पहले से ही शुरू करते हैं कि आपके बचपन और आपके फैमिली बैकग्राउंड डेफिनेटली आप एक मुसलमान फैमिली से हैं तो आपके फैमिली में किस तरह का इस्लाम जो है वो फॉलो होता था किस तरह रिलीजस था आपके पेरेंट्स और आप लोगों ने कितना सीखा है जो बचपन से कैसा माहौल था आपका घर का तो वहाँ से शुरू करता आपके चाइल्ड से जी हाँ डेफिनेटली तो बेसिकली मेरा जो आ, मतलब परवरिश हुआ है मेरा ज़्यादातर मतलब मामा के जो घर होता है ना मतलब मदर के साइड मैं ज़्यादातर रहा हूँ बहुत बचपन से ही तो मेरे फादर के जो साइड थे वो साइड बहुत रिलीजियस थे लेकिन मैं जहाँ पला बड़ा हूँ और मेरे मादर के जो पेरेंट्स थे या फिर नाना नानी जो थे वो लोग मतलब रिलीजन मतलब नॉर्मली रिलीजन मतलब फॉलो होता था उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था नहीं और उतना ज़्यादा एग्रेसिव भी था नहीं ठीक है मतलब बचपन से ही देखता आया हूँ कि मेरा घर में मतलब माहौल था कि बचपन bueno से टीवी में रामायण महाभारत ये सब चलते थे ठीक है तो खास करके हम लोग जहाँ पे रहते थे तो वहाँ पे मैं मतलब बहुत छोटा था तो मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत धुंधली यादें जो है मतलब टीवी पे रामायण चलता था महाभारत चलता था आसपास के पड़ोस पे लोग भी आते थे देखने के लिए तो ऐसे माहौल में मैं बड़ा हुआ हूँ ठीक है मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोई मतलब प्रॉब्लम था नहीं मेरे फैमिली में और ख़ास करके आ, मेरा जो मतलब परवरिश हुआ है आ, मतलब हमारे घर के पास एक ब्राह्मण फैमिली थे ठीक है वहाँ पे भी वहाँ मैं पढ़ने जाता था एक्चुअली उनके घर तो उनके घर में भी आ, मतलब आ, मैंने पढ़ाई किया है मतलब बड़ा हुआ हूँ तो उतना ज़्यादा रिलीजियस प्रॉब्लम था नहीं मेरा घर उतना रिलीजियस था नहीं लेकिन जब मैं क्लास टेंथ में था उस टाइम पे मैं मतलब जुमा का नमाज पढ़ने जाता था एक होता है ना कि शुक्रवार को मतलब जो फ्राइडे को होता है प्रेयर के लिए हमारे स्कूलों में एक घंटा डेढ़ घंटे का छुट्टी देता है तो हम लोग क्या करते थे तो उस छुट्टी को मतलब स्कूल से बाहर निकलना हम लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ होता था तो स्कूल से बाहर निकलने के लिए हम लोग क्या जाते थे मस्जिद में जाना स्टार्ट किए थे शुक्रवार शुक्रवार को तो वहां पे जाके जो तकरीरें होती थी नमाज से पहले एक डेढ़ घंटा तकरीर चलता था तो वहां से मैं फर्स्ट टाइम अट्रैक्ट हुआ था और फैमिली में सबसे ज्यादा रिलीजियस मैं ही बन चुका था एक्चुअली मतलब नॉर्मल मोमिन सॉरी बताइए तो आपके मतलब फैमिली जो है वो, हम जो कहते है एक, uh, हमारे साथ शमीम भाई जुड़ चुके हैं शमीम भाई बहुत बहुत, बहुत वेलकम आपका जी शुक्रिया सिस्टर आप कंटिन्यूम भाई जी शुक्रिया जी अपनी बात कंटिन्यू करें हाँ तो श्योर श्योर सुनीम भाई आपके फैमिली जो है वो एक मॉडर्न मुस्लिम फैमिली थे लेकिन फिर धीरे धीरे आप खुद मतलब इंडिविजुअली हाँ, हाँ. आप जो है इस्लाम से इस्लाम की तरफ झुक गए तो वो क्यों? Definitely, definitely. मैंने जैसे कि कि कहा तकरीरों में आप, आप देखेगा, में कितना खूबसूरत मतलब रिलीजन है कितना पीसफुल रिलीजन है ठीक है मिलजुल के रहने के बात करता है तो मैं इसी वजह से अट्रैक्ट हुआ था क्योंकि मैं भी बचपन से बहुत पीसफुल था मतलब मुझे पीस पसंद था एक्चुअली और ऊपर से आ, मतलब ये जब तकरीरें मैंने सुना घंटों घंटों तक जब तकरीरें सुनता रहा तो मैं सोचा कि आ, मतलब आ, हाँ एक जहन्नम का डर भी बैठ गया था अंदर तकरीरें जो सुनते सुनते तो मैं सोचने लगा था कि मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता तो एक डर का जो मतलब पहला जो है डर और दूसरा था कि जो प्यारी प्यारी बातें करते हैं रिलीजन को लेके उन दोनों चीजों से मैं अट्रैक्ट हुआ था बहुत ज्यादा अभी तमीम बहन देखेगा नॉर्मल मुस्लिम जो लोग होता है एकदम नॉर्मल बेसिक मुस्लिम लोग दे, देखेगा साल में तीस तो ही रोजा रखता है राइट ओनली रमजान का जी 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 तो मैं ऐसा बन चुका था एक टाइम तक कि साल का मतलब आ, मतलब नॉर्मल तीस रोजा तो रखता ही था मतलब मुहर्रम का दस रोजा भी रखता था मैं सुन्नी मुस्लिम था फिर भी मैं मुहर्रम का दस रोजा रखता था सबे बरत का दो सबे कदर का दो तो यहाँ पे चालीस 42, 48, मतलब इतना ज्यादा रोजे भी रखना स्टार्ट कर दिया था ठीक है इतना ज्यादा रिलीजन बन मतलब रिलीजियस अच्छा, तो, गया था। तो आपके ये जो परिवर्तन हुआ आप में तो इसके पीछे मतलब क्या था कि आप जो मौलवी मस्जिद में बयान करते हैं वो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया या फिर आप तबलीग कर रहे थे या आपका कोई फ्रेंड सर्कल ज्यादा रिलीजियस था मेन मेन पॉइंट क्या था नहीं मेन पॉइंट मैंने जैसे बताया कि हमारे यहाँ तबलीग नहीं होता एक्चुअली ठीक है आसारी सुन्नी लोग हैं हम लोग तो हमारे यहाँ तबलीग लोगों को भगाया जाता है एक्चुअली मतलब उनके साथ भी प्रॉब्लम है ठीक है बरेलवी सुन्नी जो होता है ना हम लोग मतलब उस फिरके से हैं तो यहाँ पे हम लोग तबलीग नहीं करते थे लेकिन मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि जहनम का एक डर अंदर बैठ चुका था तकरीरें सुनते सुनते और जो हुआ था प्रॉब्लम कि हाँ ये जो जितने अच्छे अच्छे बातें करते थे ना कि इतने अच्छे थे एक एक जाते थे बुढ़िया कचरा फेंक देती थी हमेशा ये सब चीजें मतलब मैंने जब सुना कि कितना अच्छा रिलीजन है कोई मतलब भेदभाव नहीं होता है अमीरों में गरीबों में एक कतार पर नमाज पढ़ते थे ये दोनों चीजें ही मुझे अट्रैक्ट किया था और डर तो था ही मैंने जैसे बताया जहान का जी मतलब एकदम नो नॉर्मल जो प्रे के होता है मुसलमान के जो जिस पार्ट को एकदम प्रे करना मतलब शिकार करना जो शिकार जो करते हैं मौलवी बुद्धि कहानी सुना के और हम सब एक कतार में खड़े होके नमाज पढ़ते हैं इस्लाम में तो एकदम एकदम सबको एक माना जाता है कोई कास्ट नहीं है यहाँ पे मतलब इस ये सब बातें करके जो फंसाते हैं एकदम नॉर्मल मुसलमान को आप भी वैसे वो जाल में फंस गए थे जी, जी 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 एक जाल तो था ही जी तो उसके बाद आप जब बहुत ज्यादा मुस्लिम मतलब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो गए मतलब आपको डर लगा आपको अच्छा लगा इस्लाम तो उसके बाद किस तरह का प्रैक्टिस आप करते थे किस हद तक मतलब रोजा तो आप रखते थे हाँ डेफिनेटली तो जो इमाम साहब का रूम होता है ना मस्जिद में मैं रात रात भर मतलब साल का ज्यादातर वक्त उन वहीं पे रहने लगा ठीक है ताकि फजर का नमाज मिस ना हो ठीक है और मतलब रात रात तक इबादत करना और मतलब नफल नमाजे भी पढ़ता था बहुत ज्यादा एक टाइम पे तो यहाँ पर इतना हद तक हो गया था कि मैं मतलब रहने ही लग गया था मस्जिद में मतलब इमाम साहब का जो कमरा था इमाम साहब के साथ ही तो एक लॉन्ग टाइम ऐसा भी था मेरा वहाँ पे अच्छा तो अच्छा तो चल रहा था मतलब खुश थे इस बारे में ना नहीं एक्चुअली मैं जैसे आपको बताऊं कि मेरे फैमिली उतना ज्यादा मेरे तरफ मतलब ध्यान देता नहीं था ठीक है एक्चुअली मैं करूं ना करूं वो नॉर्मल थे मतलब और न्यूट्रल थे मैं करूं तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं मैं ना करूं तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं और मैं बहुत ही जल्द अपना फेस रिवील भी करूंगा अपने असली नाम के साथ भी आऊंगा तब आपको मेरे नाम से भी पता चलेगा कि फैमिली में मेरा नाम जो रखा था वो कोई इस्लामिक नाम नहीं था तो उस उस फेज पे मेरा ऐसा हुआ था कि मैं अपना नाम बदलना चाहता था क्योंकि मौलवी तो मैं, मैं घर में एक दो बार बोला भी था कि मेरा कोई इस्लामिक नाम कहा नहीं रखा आप लोगों ने मेरे को कितना शरम आता है तो मैं नाम भी चेंज करने वाला था एक टाइम पे आके एक्चुअली इतना ज्यादा मतलब मेरे दिमाग में घुस चुका था ये चीज अच्छा तो इस जगह से जहाँ आप इतना ज्यादा डिटेड हो चुके हैं तो उस जगह से आपका ब्रेकिंग पॉइंट क्या था मतलब मतलब क्या क्या ऐसा ऐसा है जो मतलब पहले आपको हिट किया पॉइंट था डेफिनेटली तो आ, मैं बताना चाहूंगा कि मैं मतलब मोमिन जरूर था लेकिन उस टाइम पे भी मेरे मेरे दिमाग मतलब एकदम से बिगड़ नहीं गया था मेरे को लॉजिक लॉजिकल चीज समझ में आता था ठीक है लॉजिकल और इलॉजिकल में लेकिन जितने भी लॉजिकल चीज मतलब इलॉजिकल चीज मुझे दिखता था मतलब लोगों के बिहेवियर में तब तक मैंने उस इतना पढ़ाई नहीं किया था तो मैं हमेशा सोचता था कि ये लोगों की गलती है इस्लाम इतना बुरा है नहीं ठीक है सपोज अगर कोई कहीं पे टेररिस्ट अटैक होता था तो मैं हमेशा यही बोलता था कि नहीं मेरा इस्लाम जो है हमेशा अच्छी अच्छी बातें बोलता है ये टेररिस्ट लोग मुस्लिम नहीं हो सकते या फिर एक बार का मैं अगर बात बताऊं हम लोग मस्जिद में ही नॉर्मली बैठे थे एक दिन ऐसा के नमाज के बाद तो एक बच्चा आता था हमारे यहाँ का ही वो कितना होगा क्लास सेवन एट में पढ़ता होगा उस टाइम छोटा बच्चा ही था तो एक दिन अः मतलब दुनिया को लेकर बात होना होने लगा कि अर्थ फ्लैट है या राउंड है या फिर अर्थ के बाहर से मतलब दुनिया कैसा दिखता है फ्लैट दिखता है तो वो बच्चा इमाम साहब के सामने बोल दिया कि नहीं एस्ट्रोनॉट लोग तो दुनिया से बाहर जाके देख के आए हैं कि अर्थ फ्लैट नहीं है तो आप लोग क्यों बोलते हैं अर्थ फ्लैट है तो वहां पे ना इमाम साहब ने बच्चे को थप्पड़ मार दिया था उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था वो चीज तो मैंने उतना सोचा नहीं मैं सोचा कि इस इमामी इमामी शायद गदा होगा इस्लाम में इतना उल्टा सीधा चीज हो नहीं सकता फिर टाइम आया मतलब आपका जो क्वेश्चन है मैं उस पर आता हूँ फिर टाइम आया ओ माई गॉड बोल के जो फर्स्ट मूवी रिलीज हुआ था वहां पे मैं देख रहा था तो वो टाइम भी मेरा बहुत बुरा चल रहा था तो वहां पे एक डायलॉग है ना कि इंसान के हर हर एक सवालों का जवाब उनके किताबों में मिलता है अपने किताबों को पढ़ो तो मैं क्या किया कि मैं कुरान अपने मदर टंग में मतलब बंगाली लैंग्वेज में पढ़ना स्टार्ट किया और यही से यही है मेरा टर्निंग पॉइंट कि मैं दो या तीन पेज ही पढ़ा मेरे को आया अभी याद नहीं है वहां पे एक आयत पे शायद को याद होगा एक आयत है ना कि अल्लाह रिवेंज लेने वाला होता है दो तीन पेज बाद ही जी बिल्कुल अल्लाह मतलब जो जो लोग कुफर में पड़ गए और कुफर में बढ़ते चले गए अल्लाह उसके दिलों पे मोहर लगा देता है और वो यकीनन जहन्नम में जाने वाला है अल्लाह उसे बदला लेके रहेगा जी जी थैंक यू वेरी मच याद दिलाने के लिए समीम भाई तो ये जो वर्ड है इसने मेरा पूरा दुनिया बदल दिया एक्चुअली मैं ना सोच में पड़ गया मैंने स्टार्टिंग में जैसे दूसरे मुसलमानों को होता है जरूर ट्रांसलेट में ही कोई गलती होगा फिर मैं दूसरे ट्रांसलेशन भी देखा मैंने बहुत देखा बहुत ढूंढा ठीक है मेरे को हर जगह सेम चीज मिलने लगा तो उस उस फेज में मैं दो तीन दिन तक एकदम खामोश हो गया मतलब ये क्या देख लिया मैंने मतलब मेरे जैसे मतलब पैर के नीचे से ज़मीन खिसकी जिन्होंने हमें बनाया जिन्होंने हमें पैदा किया जिनके इशारों पर हम चल रहे हैं वो हमसे मतलब हमसे या किसी से भी मतलब रिवेंज कैसे ले सकते हैं उसके बाद से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ठीक है एक बहुत ही बड़ा पब्लिशर्स है आ, इस्लामिक फाउंडेशन जो सऊदी अरब सरकार के मतलब आ, उन्होंने अप्रूव किया है इतना बड़ा फाउंडेशन है बांग्लादेश में उनका मेन ऑफिस है तो उनके किताबें सारे ऑथेंटिक है तो मैंने उन किताबों से पढ़ना स्टार्ट किया और जैसे जैसे मैं पढ़ता गया एक के बाद जो जो तबसरे हैं एक दो तबसरे मैंने पढ़ी जो हदीसें हैं उसके पढ़ने के बाद मतलब मेरा हालत एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं बहुत मतलब गहरी डिप्रेशन में चला गया कि बचपन से जिस चीज को मानते हुए हुए आ आ रहा हूं, आ रहा फॉलो करते मतलब हो, होता है ना लॉन्ग टाइम तक मैं डिप्रेशन में था जी बिल्कुल आपने सही फरमाया क्योंकि जिस खुदा को हम बेनियाज मानते हैं जिस खुदा को हम ये समझते हैं कि खुदा की दुनिया की परवाह नहीं है लोग चाहे पूरी दुनिया काफिर हो जाए अल्लाह को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पूरी दुनिया का कोई भी इबादत ना करे अल्लाह को उससे फर्क नहीं पड़ता जब अल्लाह को उससे फर्क नहीं पड़ता तो अल्लाह बदला किस बात कर लेगा और झरने में क्यों डालेगा अगर उसको फर्क ही नहीं पड़ता है तो वो सजा क्यों देगा ये खालिद के लिए ये श्यान शानी नहीं है कि वो अपनी मखलूक को सजा दे जैसे कि मिसाल के तौर पर हम एक कोई कार डिजाइन किया एक कार बनाया उसमें कोई फेलियर होने की वजह से वो एक्सीडेंट कर गया तो अब हम क्या करें कार को रिपेयर करने के बजाय उसको हथौड़ा लेके थूट दें कूट दे उसको कि नहीं यार ये या कार क्यों तू एक्सीडेंट किया तो भाई इसमें तो यार लॉजिक बनता ही नहीं है सेम यही लॉजिक अल्लाह पे भी अगर फिट करेंगे कि अल्लाह ने हमें तख्लीक की हमें बनाया हमारे बनाने से पहले हमारी मुकद्रे लिख दिया और उस मुकदर लिखने के वजह से वो जो चाहेगा वही हम करूंगा एज ए रोबोट हमें पैदा किया क्योंकि फ्रीविल नाम की कोई चीज नहीं है तो सर हमारी जो हम जो हमें डिज़ाइन किया है अगर हमारे डिज़ाइन में कुछ फेलियर है तो उसका जिम्मेदार डिज़ाइन करने वाला ही होगा और उस फेलियर के वजह से अगर वो हमसे बदला ले हमसे अगर वो उसका सजा दे उसको उसको पनिश करे हमें तो ये सही बात है लॉजिक नहीं बनता है और जो एक बंदा जो पूरी तरह से इस्लाम के अंदर डूब गया हो पूरी तरह से खुदा वहद ला शरीक ईमान ले आया और अगर उसके सामने में इस तरह की बातें आती है तो दिमाग तो जरूर खराब होता है सर जी, जी। तो आप अच्छा हमारे सर वैसे देसी जी जुड़ चुके हैं वेलकम देसी जी आपका भी थैंक यू uh, देवेंद्र जी uh, शमी भाई कैसे हो देवेंद्र जी कैसे हैं और अपना शेख भाई कैसे हैं ठीक है गुड इवनिंग देसी भाई गुड इवनिंग बदर जी तो आप जैसे बता रहे थे कि आपने इस्लाम तो मतलब आपके जमीन के नीचे पैर के नीचे जमीन हट गया और अपने इस्लाम छोड़ने के बारे में सोचा तो उसके बारे में आपने क्या किया था उस समय किसी को बताया फैमिली में फ्रेंड्स में या आपने छुपाया क्या किया उसके बाद नहीं एक्चुअली हम कभी भी किसी भी रिलीजन से अगर निकलते हैं मतलब वो फेज तो मैंने अभी बताया नहीं वो जो डिप्रेशन वाला फेज था करीब 1.5 साल 1 एक, एक साल 2 महीने ऐसा था मतलब शायद uh, मुझे कभी कभी लगता है कि अभी भी उस चीज से मैं अपने आप को समझ नहीं पाया हूँ क्योंकि पांच साल हो गए क्योंकि आप देखिए अचानक से आप किसी एक चीज पे मानते हैं और आ, आपके मतलब सिर से उसका हाथ हट गया अब आपके सिर पे ऊपर कोई नहीं है आप आप किसी से मदद नहीं मांग सकते समझ पा रहे हैं ना मतलब ये जो सिचुएशन है मतलब कोई नहीं है मेरा मतलब दुनिया में खाली खाली सा लग लगने लगा था मतलब जिस नबी को सपने में देखने के लिए मैं नमाज पे रोया करता था जब उसका कैरेक्टर सबके सामने आया तो एक होता है ना मतलब टूट जाना अंदर से तो कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि अभी भी मैं शायद उस चीज से पूरी तरह से उबर नहीं पाया हूं मतलब अचानक से होता है ना कि आपके साथ बड़ा धोखा हो गया तो ये एक फेज था मतलब ये फेज मैं मतलब लफ्जों से बैन नहीं कर सकता लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला और एक फेज ऐसा आ गया था आ, आप सभी को मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी के साथ भी हुआ होगा कि एक टाइम पे मुझे लगने लगा था कि दुनिया में मैं शायद अकेला ही हूँ जो ऐसे सोचता हूँ कोई नहीं है मेरा जी ऐसा तो लगता है बहुत लोगों को तो आपने जो इस्लाम छोड़ दिया इस बारे में क्या आपने फैमिली को बताया है एक्चुअली मेरे फैमिली में पता है लेकिन देखिए मेरा एक चीज़ मानना है कि मैंने अपने नाना नानी को बताया नहीं इसीलिए देखिए हर चीज को समझने का एक एज होता है एक एज के बाद अगर आप किसी चीज़ को किसी को समझाने जाए वो समझ नहीं पाएंगे और मेरा ये मानना है कि मेरे मतलब मेरे सबको पता है मेरे नाना नानी को छोड़ के क्योंकि एक एज के बाद आप किसी चीज को ए, एक एक पर्सन को समझा नहीं पाते क्योंकि समझने का उनका जो कैपेसिटी होता है खत्म हो जाता है तभी जो है एक उम्र के बाद देखिएगा हर नौकरी से लोगों को रिटायरमेंट भी दिया जाता है क्योंकि उनका काम करने का या समझने का वक्त चला जाता है और मैं मोमिनो जैसा नहीं हूं कि दूसरों को दुख दे खुद अपना चीज लोगों को थोप तो मेरे, आ, मतलब नाना नानी को अभी तक लगता है नमाज भी उतना नहीं जाता। लेकिन उनके सामने मैं नहीं किया हूँ लेकिन मेरे मदर फादर और मेरे जो मतलब दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ये चीज पता है और उनको फर्क नहीं पड़ता इसीलिए क्योंकि मैंने मतलब मेरे फैमिली के क्लोजेस्ट जितने भी औरतें हैं उनको ये सब चीजें दिखाया है ठीक है कि औरतों को औरतों के बारे में क्या बोलता है मतलब इस्लाम कितना छोटा करता है औरतों का दिमाग आधा होता है या फिर जो है अपना हस्बैंड का अगर किसी अंग में या फिर किसी हिस्से में जो पस होता है ना पस जम जाए तो औरतें अगर मुंह से चूस चूस के भी उसको निकालेगी तो पति का हक अदा नहीं होगा ये सब चीजें मैंने जब उनको दिखाया तो उन लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मेरे दोस्तों की तरफ से मेरे ऊपर अटैक हुआ था एक बार फिजिकली और एक बार मेंटली तो मैं एक बार स्टार्टिंग में जब होता है ना कि हम लोग किसी रिलीजन से निकलते हैं तो हमें किसी को बोलने का मन करता है, लगता है ये चीज़ गलत है मैं बोल दू सबके सामने होता है ना जी जी हाँ तो वो फेज उसके बाद डिप्रेशन से निकलने के बाद मेरा गुस्से वाला फेज था कि मैं बताऊंगा सबको ये करूंगा फिर मैं लिखने लगा ब्लॉग्स लिखने लगा और बहुत सारे अभी भी मैं बहुत सारे मतलब आर्टिकल्स लिखता हूँ बहुत अलग अलग मैगजीन्स के लिए तो पहले मैं अपने नाम के साथ मेरे फेसबुक में ही लिखने लगा था ठीक है तो हुआ क्या था कि मैं एक दिन मतलब दोस्तों के साथ अड्डा वड्डा मतलब वापस आ रहा था किसी दोस्त ने मेरे को उस, उस बारे में कुछ बोला नहीं आ रहा था तो एक दिन पीछे से मतलब जो गमछा होता है ना वो गमछा मुंह में लपेट के पीछे से आया था और मेरे को बुरी तरह से पीटा था पीछे से आके अंधेरे में और मैं कंधे बंधे पे चोट लगा था बहुत ज्यादा तो उस दिन एक जो चीज हुआ मेरा जो अविश्वास था मेरा जो नॉन बिलीव था वो ना हेट में बदल गया बहुत ज्यादा हेट करने लगा उसके बाद से मैं और आपको पता है कि आपके ऊपर आक्रमण जिसने किया था वो कौन था मतलब आपके फ्रेंड था हाँ बाद में मुझे पता चला एक्चुअली हमारे फ्रेंड सर्कल अच्छा। में मतलब हिंदू लोग भी हैं मुस्लिम लोग भी हैं ठीक है और तो ये डिफरेंसेस मैंने देखा है कि हमारे हिंदू जो दोस्त है ना उनके सामने अगर कोई नॉन बिलीवर का बात करे उनके रिलीजन को लेके मैं मानता नहीं ये नहीं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमारे जो मुसलमान दोस्त होते हैं ज्यादातर वो वो खुद तो नहीं मानते लेकिन उनके सामने अगर कोई नॉन बिलीवर आ जाता है ना तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं तो मेरे को एक दो हिंदू दोस्त थे जिन जिन्होंने मुझे बताया था ये चीज़ कि उसने उसने वो वो था तुम तुम पे जो अटैक किया था उसके बाद से मेरे ऊपर मतलब फिजिकल टॉर्चर तो गया उसके बाद जो मेंटली टॉर्चर होने लगा कि तू हम लोगों के साथ मत रहा कर ठीक है तू नॉन बिलीवर है तेरे से नहीं बात करूंगा ठीक है तू अलग रहना और उस टाइम पे जो है मेरे दोस्त बहुत कम थे और मैं दोस्तों से प्यार भी करता था उस टाइम पे बहुत ज्यादा तो वो मेरा मेंटली बहुत ज्यादा हैरेसमेंट हुआ था उस टाइम पे तमें बैन मतलब आपको जो है आइसोलेट किया गया था हाँ आइसोलेट हो गया था ये जी 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 ये तो शुक्र है मेरे कुछ हिंदू दोस्त हैं कि जो मेरे साथ कभी भी नहीं छोड़े अभी तक हमारे साथ है और एक साथ हम रहते हैं अब वो जो दोस्त है उनके साथ भी अभी पैचअप करके रखना पड़ा है आप समझ ही पाते होंगे कि एक जगह पे और एक समाज में रहने के लिए हमें करना पड़ता है और मैं मतलब अभी अभी भी लिखता हूँ इन सब चीजों के बारे में मतलब मेरा दूसरे नाम से मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ अभी तक मेरा काम अभी तक चालू है लेकिन फिलहाल अभी मेरा नाम चेंज करके मुझे ये काम करना पड़ रहा है अच्छा जब आपके दिल में इस्लाम के खिलाफ सकूक पैदा होने लगा जब आपको लगा कि नहीं ये जो खुदा है वो खुदा नहीं हो सकता है तो आप जैसा कि आपने बताया कि आप मौलाना के कमरे में रहा करते थे तो कभी मौलाना से इस बारे में पूछने की कोशिश किया कि नहीं किया आपने हाँ डेफिनेटली ये अच्छा सवाल है मौलाना से जब भी मैं कोई क्रिटिकल सवाल पूछता था क्योंकि मौलाना का दिमाग कितना कम होता है आप लोगों को भी पता है कि वो लोग जानते कम है और बोलते ज्यादा है तो मौलाना से मैं जब भी कोई लॉजिकल सवाल पूछ लेता था उसका जवाब एक ही वो देता था कि जो अल्लाह जानता है वो तुम नहीं जानते जी ये तो सही है मौलाना का तो ये जवाब होता है कि जब कोई जवाब नहीं होता है तो वो सीधा सीधा बोल देते हैं कि जो अल्लाह ही जानता है लेकिन फिर भी जैसे कि कोई और डाउट्स जो आपके दिल में आया हो हाँ, ए एक इंटरेस्टिंग सवाल मतलब याद आ गया हाँ, आप कंप्लीट कर लीजिए मैं बताता हूं जी जी कोई ऐसा डाउट्स जो आपने मौलाना से पूछने की कोशिश किया हो और आपको घुमाने का कोशिश किया हो जवाब न दिया हो हाँ हाँ ये एक इंटरेस्टिंग चीज याद आ गया आपको भी मजा आएगा सुनने में समीम भाई आ, मैंने ये सवाल पहला सवाल जो मौलाना से किया था कि जब सैतान बना नहीं था मतलब वो तो अल्लाह का एक फरिश्ता थे ना तब तक करोड़ों साल अल्लाह का इबादत किया जो इडली है जब बना नहीं था वो तो अल्लाह का एक फरिश्ता थे फरिश्तों के लीडर थे शायद उस टाइम पे जी, जी, जी तो आदम का जो बनाया गया मिट्टी से तो सभी ने सजदा किया तो उसने अपने गुरू से कहा नहीं ये आदम जो है मिट्टी का बना है और मैं आग का बना हूं तो मैं उसको सजदा नहीं करूंगा तो मैंने इमाम साहब से पूछा था कि इमाम साहब जब शैतान नहीं बना था तो कोई बुराई या नहीं थी दुनिया में पूरे यूनिवर्स में कोई बुराई या नहीं थी ना वो बोले नहीं मैंने बोला कि किसी के दिल में गुस्सा किसी के तरफ जेलसी ये कुछ भी नहीं था ना तो इमाम साहब बोले नहीं फिर मैंने ये पूछा कि जब शैतान बना ही नहीं था तो वो शैतान का जो दिमाग में ये जो उसके उसके लिए ये जो गुरूर आया या फिर वो जो जेलसी आया वो किसने पैदा किया ये सुन के इमाम साहब मतलब तीन चार मिनट मतलब दंग रह गए ठीक है तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये अल्लाह का एक मतलब इम्तहान है इम्तिहान ले रहा है अल्लाह ने ही शैतान के दिमाग में मतलब शैतान के दिमाग में ये चीज दिया था ताकि हम इंसानों का मतलब इम्तिहान ले सके तो ये जवाब सुन के ना एक्चुअली उस टाइम पे मैं चुप रहा था लेकिन मस्जिद से आते हुए मैं इतना हंसा था मतलब ये चीज इतना ज्यादा इलॉजिकल मुझे लगा कि जो शैतान से शैतानी करवाए वो कितना बड़ा शैतान होगा भाई। जी जी मकरअल्ला मकर वैरमिन अल्लाह जो है ना सबसे बड़ा मक्का है और ये बात कुरान में है कि सैतान खुद कहता है कि अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया है तो ये सवाल भी आपका सही था और मौलाना साहब का जवाब भी सही था क्योंकि मौलाना साहब को कुरान के हिसाब से जवाब देना था कि अल्लाह ने ही वाकई शैतान को गुमराह किया है और एक बार रसूलुल्लाह से अबू बकर ने पूछा कि या रसूलुल्लाह शैतान बनाने का मकसद क्या है तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि अगर अल्लाह को इंसानों को गुमराह करना ना होता तो वो शैतान ना पैदा करता मतलब कि सीधी सी यही बात है कि अल्लाह शैतान को इसलिए पैदा किया है पहले शैतान गुमराह हो जाए उसके बाद वो लोगों को गुमराह करे जी समीम भाई यहाँ पे ना मैं एक कंक्लूजन पे पहुंच चुका था ऑलरेडी क्योंकि ये जब चीजें मैंने सुना और बातें किया लोगों से एक कंक्लूजन पे मैं पहुंच चुका था अगर कोई भी आप मूवी देखते हैं उसका जितना जबरदस्त होता है हीरो का कैरेक्टर उतना ही ज्यादा निखर के आता है तो इस रिलीजन में जान के एक शैतान का कैरेक्टर पैदा किया गया ताकि ये जो अच्छा वाला कैरेक्टर है लाइट वाला कैरेक्टर है ये हाईलाइट हो सके समीम भाई जी बिल्कुल सेम इसी तरह से कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल सही कहा आपका एनालिसिस बहुत सही था क्योंकि एक हीरो को हीरो साबित करने के लिए एक विलन होना बहुत जरूरी है तो और सर, मतलब हाँ समीर भाई प्लीज तो सर जब आपको मौलाना से उनके जवाबों की तसल्ली नहीं मिली तो कोई बड़े आलिम से आपने बात करने की कभी कोशिश नहीं की क्योंकि एक जो मजहब जिसको हम दिलो जान से चाहते हैं तो बहुत कशमकश की हालत होती है उससे बाहर निकलना जी तो मैंने इसीलिए बड़े आलिमों से बात नहीं किया क्योंकि मेरे हाथों में सारे किताबें थे जो आसिफ भाई का जो वेबसाइट है ना आसिफ मोहुद्दीन का जिसने पूरा बांग्लादेश का आलिम लोगों को हिला के रख दिया और हाथ के नीचे रख दिया और उस वेबसाइट से, 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 से कोई भी हाँ कोई भी आलिम कोई भी मौलाना उससे एक भी गलती अभी तक निकाल नहीं सका तो उसका एक बड़ा हाथ है और बंगला में भी आप लोगों जैसा ऐसा स्ट्रीम होता था तो उनके स्ट्रीम्स में सुनता था वहाँ से और जो शमशर डॉट कॉम है वहाँ के वेबसाइट से मैंने जितना भी पढ़ाई किया है और मैंने नॉर्मल पढ़ाई नहीं किया है जितने भी किताबों का हवाला वहाँ पे दिया गया है बाकायदा मैंने एक मतलब हर एक हवाले को चेक किया है कि ऑथेंटिक है और सारे चीज़ों को भी सही तरह से रखा गया है तो मुझे एक्चुअली उतना टाइम नहीं लगा इस चीज से निकलने के लिए लेकिन मेंटली मतलब बहुत ज्यादा हेरासमेंट हुआ है मेरा क्योंकि मतलब एक टाइम पे मेरा ऐसा सिचुएशन हो गया था कि फिर क्या करूं मैं कहाँ जाऊं किससे मदद मांगू कौन है सही क्या है सही मतलब ऐसा एक सिचुएशन बन चुका था मेंटली जी बिल्कुल तो उसके बाद आप धीरे धीरे समझ गए कि क्योंकि आपने जैसे कि मोहिद्दीन साहब का नाम लिया उनकी किताबें पढ़ के कि आपको मौलाना से वाकई पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो लोग एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम सुनते हैं उनको सही में आलिमों की जलेबी की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको उनका पता है कि यार वो जलेबी के अलावा कुछ नहीं देंगे सही बात आ, है तो उसके बाद जब आप जब आपने फिर आपने नमाज वमाज पढ़ना बंद कर दिया होगा जी 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 और मैं बाकायदा मस्जिद में अजान भी देता था मतलब मेरा अजान इतना अच्छा लगता था लोगों को मतलब मतलब इलाकों के बुजुर्गों नानी और नाना लोग जो होते थे मैं कभी एक दिन अजान नहीं देता था तो वो लोग बोलते थे तुम अजान क्यों नहीं दिया बेटा तुम्हारा आवाज़ नहीं सुना बहुत देर तक मतलब इतना हद तक मैं जुड़ चुका था इस चीज़ से दिलो जान से तो धीरे धीरे मस्जिद जाना कम हो गया बंद हो गया और बंद कर दिया मैंने क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता था वेस्ट ऑफ टाइम लगता था वो जो टाइम होता था मुझे लगता मैं मुझे लगता था कि मैं अगर मैदान पे जाके खेलूंगा उससे ज्यादा बेटर है वो टाइम बर्बाद करने से जी अगर आपको याद हो तो अगर आज हम सुना सकते हमारे व्यूवर्स को क्योंकि बहुत से मुसलमान भाई भी रहते हैं इस तरह के कमेंट्स आने के बाद वो कहते हैं कि यार ये बंदा है कि नहीं है तो अगर आप सुना सकते हैं तो बहुत अच्छी रहेगी आप मुकम्मल हाँ, अगर सुना दें जरूर जरूर और मैं थोड़ा धीरे सुनाऊंगा तो आवाज थोड़ा मतलब इधर उधर हो सकता है ठीक है क्योंकि बाहर से भी हुए हैं अचानक से मेरे रूम से आजान सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे क्या हो गया इसको रात को अकबर अकबर अल्लाह الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على السلام هيا على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا बहुत बहुत अच्छी आवाज थी आपकी और आप लोग जैसे लोगों को इस्लाम से बाहर आना बहुत जरूरी है कि कम से कम एक बंदा तो ये चिल्लाना बंद किया कम से कम शुक्र है डेफिनेटली <laughs> डेफिनेटली जी तो जैसे कि आप फिर इस्लाम से बाहर आ गए उसके बाद फिर आपने अपना ब्लॉग व्लॉग लिखना चालू किया तो आप किस टॉपिक पे ब्लॉग लिखा करते थे अगर व्यूवर्स को बताएं जरा हाँ डेफिनेटली कनेक्ट हो सके डेफिनेटली मेरे ब्लॉग्स का जो टॉपिक्स होता था कि मतलब इस्लाम के साथ जो साइंस का कॉन्फ्लिक्ट है ठीक है इस तरीके के, के ब्लॉग्स में लिखता था या फिर इस्लाम इस इतने बदतर हाल में कैसे पहुंचा मेरा एक बहुत ही फेमस ब्लॉग है लेकिन वहाँ पे मेरा ओरिजिनल नेम दिया हुआ अभी मैं आपको पर्सनली वो भेज दूंगा अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप देख सके कि इस इस हालत में कैसे पहुंचा गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम से इतना ज्यादा जहलीत के हालत में कैसे पहुंचा या फिर साइंस में अगर आप देखेंगे कि ये लोग बहुत बड़ी बड़ी साइंस की बातें करते हैं ना कि ये है वो है मतलब हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े साइंस के बातें किया हुआ है लेकिन आप अगर देखेंगे अगर बेसिक सा जो चीज़ है बाथरूम ठीक है वो बाथरूम भी नहीं बना सका मोहम्मद खुद जो है मैदान में जो है हदीसों में जो आता है कि खुले मैदान में जाता था मतलब हल्का होने के लिए तो जो साला लाइक बाथरूम अभी मतलब बना नहीं सका और वो लोग बड़ी-बड़ी मतलब साइंटिफिक मतलब नॉलेज के बारे में बात करते हैं तो तो हंसी ही आता है एक्चुअली समीम भाई जी बिल्कुल ये सही है कि मतलब कि मुसलमानों का आज भी एक क्लेम है कि हर जितनी भी साइंटिफिक इवेंट हुआ है सबकी निशानी कुरान में पहले से मौजूद है और रसूलुल्लाह की जो तमाम अजवाज थी तमाम बीवियां थी व अल नाम की एक जगह था जो मैदान था वहां जाती थी कजा हाजत के लिए तो जिसके लिए उमर ने हफ्सा को कई बार टोक दिया जिसके वजह से पर्दा की आय मतलब सौदा तो को सौदा को, शार। 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 को, को हफसा तो उसकी बेटी थी सॉरी तो उसकी बेटी थी सौदा को उसने रोका टोका के तो आखिर रसूलुल्लाह को क्लेम किया तो बुर पर्दे की आयत आ गई कि भाई अब जाओ जाना तो बाहर ही है तब भी लेकिन अब एक काम करो एक काला टेंट डाल लो ताकि लोग तुमको पहचाने ना जी और एग्जैक्टली exactly. और कोई और क्या क्या मेरेकल्स आपने कुरान में देखे जिसके खिलाफ आपने अपनी ब्लॉग लिखा देखिए मेरेकल्स तो हजारों हैं ठीक है जैसे जैसे पहले 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 जो है पहले दुनिया बनाया उसके बाद आसमान बनाया और मैं मैं मतलब मेरे लिए मतलब ये जो सा, मतलब साइंस है ना जो स्पेस रिलेटेड चीजें हैं मैं उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मतलब मैं हमेशा फॉलो करता रहता हूँ स्पेस स्टेशन को ये सब चीज़ों को बचपन से मैं पढ़ता हुआ आया हूँ तो ये लोग साले बोलते हैं कि पहले दुनिया बना उसके बाद आसमान बना और आसमान के जो पिलर्स है पिलर के जगह पे मतलब पिलर मतलब ये जो पहाड़ होते हैं पहाड़ों को पिलर के जैसे बनाया ठीक है मैं सोचने लगा ये मतलब ये तो मतलब कितना हंसी वाली बात है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है मतलब आसमान तो कोई चीज है ही नहीं पहले तो जिसके लिए कोई पिलर लगेगा ये जो यूनिवर्स है ये पह, कितने करोड़ों सालों पहले मतलब एग्जिस्टेंस में आया उसके कितने करोड़ों सालों बाद दुनिया बनी ठीक है ये तो एकदम बेसिक सा चीज है ये बेसिक चीजें इनको नहीं पता